In this problem, we are given two containers A and B having same base area. Let's assume this area to be S. यहाँ का भी area S है, यहाँ का भी area S है. इन दोनों ही containers में हम लोगों ने same liquid भर दिया up to same height H. आपसे कहा गया है इन दोनों में जो liquid भरा हुआ है उनका weight compare करिए, मतलब किसके अंदर liquid का weight ज्यादा है. दोनों का area same है, base area same है, लेकिन ये कंटेनर ऊपर जाके चौड़ा होता जा रहा है और ये एकदम स्ट्रेट है, तो डेफिनेट सी बात है इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें रखा हुआ लिक्विड ज्यादा है, उसकी डेंसिटी सेम ही है, इसलिए यहां पर ज्यादा लिक्विड रखा हुआ है. दैट मीन्स अगर इसका वेट डब्ल्यू ए है और इसका वेट डब्ल्यू बी है तो हम क्लियरली कह सकते हैं वेट इन ए इज ग्रेटर देन वेट इन बी. इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए. दूसरी बात आपसे क्या बोली गई है कि इन दोनों ही कंटेनर्स का जो बेस एरिया है वो तो सेम है, तो इस बेस एरिया पे लिक्विड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स को भी कंपेयर करिए. तो अगर हम लिक्विड की वजह से यहां पे प्रेशर निकालें तो दोनों ही केस में आप चाहे प्रेशर एट ए निकालो चाहे प्रेशर एट बी निकालो तो प्रेशर कितना है पी नॉट प्लस रो जी एच. एच भी सेम है रो भी सेम है क्योंकि लिक्विड सेम है, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी है. दिस इंप्लाइज फोर्स एट ए इज इक्वल टू फोर्स एट बी. क्यों? अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ एस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा प्रेशर एट ए मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर एट बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और प्रेशर इंटू एरिया क्या हो जाएगा फोर्स. तो दोनों ही केस में जो कंटेनर में जो रखे हुए लिक्विड्स है वो बॉटम ऑफ द कंटेनर पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, जबकि वेट ए में ज्यादा है बी में कम है. ये आपका आंसर है. अब वैसे तो आपको पता होना चाहिए ये चीज पहले से, बट अगर नहीं मालूम है तो ये समझिए कि यहां पर जो एक्स्ट्रा वेट है उसको बैलेंस किसने किया. इस कंटेनर में जो एक्स्ट्रा वेट है इससे ज्यादा है ना वेट, तो यहां पर जो एक्स्ट्रा वेट है उसको किसने बैलेंस किया, क्योंकि ऊपर तो दोनों ही केस में बराबर फोर्स लग रहा है. तो यहाँ जो एक्स्ट्रा वेट है उसको बैलेंस किया है आपकी वॉल्स ने. वॉल्स ने जो फोर्स लगाया नॉर्मल डायरेक्शन प्रेशर के अगेंस्ट उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे रखे हुए एक्स्ट्रा लिक्विड के वेट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बॉटम ऑफ द कंटेनर दोनों ही केस में इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा. इसलिए आपका आंसर क्या है वेट इन ए इज ग्रेटर देन वेट इन बी, व्हाइल फोर्स in case of A at the bottom of the container is equal to force in case of B at the bottom of container. ये आपके आंसर्स हैं.